तो मंत्रेश्वर फल दीपिका हम शुरू करने जा रहे हैं। अब इसके लिए सबसे पहले कि जब इसको करना शुरू करोगे तो कौन सी बुक्स हमको पढ़नी चाहिए और कौन सी फल दीपिका अच्छी है, कि फल दीपिका के बहुत सारे पब्लिशर्स के अलग अलग कमेंटेटर्स के हमारे पास अवेलेबल है बुक, तो किससे शुरू करें। और जितने भी ऑडियंस यहाँ पर है उन सबके पास ऑलरेडी दीपिका हो, जहां तक मुझे समझ में आता है, ये पास नहीं है वो MLBD पब्लिशर्स की फल दीपिका आती है भावार्थ बोधनी करके बुक है ये फल दीपिका, और ये बुक आप प्रिफर कर सकते हैं हिंदी में। इंग्लिश में भी ये सेम बुक अवेलेबल है, मंत्रेश्वर फल दीपिका भावार्थ बोधनी, किसी के पास अगर है बुक तो एक बार वो शो कर देंगे। ठीक है, तो दो बुक्स हैं हिंदी इंग्लिश सेम MLBD का, फल दीपिका भावार्थ बोधनी ये पहली बुक थी जो संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट हुआ था, इससे पहले की बुक अवेलेबल नहीं थी हमारे पास हिंदी में। ठीक है, उपेश कुमार ओझा वो है कमेंट्री करी है। ठीक है, इससे पहले ये बुक सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज में मिलती थी, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, डिफरेंट लैंग्वेज में, फर्स्ट टाइम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कराया गया था ये वो बुक। अभी अगर इसको लेटेस्ट वर्जन आप लेते हैं तो थोड़ा सा इसमें इस कवर में थोड़ा सी कलर चेंजेस है, अदरवाइज सेम बुक है। ठीक है, ऑथर का नाम मैंने बता दिया है पंडित गोपेश कुमार ओझा। ये बुक इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में मेरे पास अभी नहीं है, ऑफिस में रह रही, किसी के पास अगर इंग्लिश वाली बुक हो तो बताइएगा, एक बार कवर दिखा देंगे सबको। नीरज तुम्हारे पास है ना? नहीं भैया, मेरे पास हिंदी वाली सर, I have. तुम्हें इंग्लिश भेज रही है मैंने, इंग्लिश क्या बात है? नहीं नहीं, इंग्लिश है ही नहीं मेरे पास। चलो ठीक है, किसी के पास है इंग्लिश? यस सर, आई हैव इट। दिखाइएगा एक बार, सब देख पा रहे हैं? एक बार आप कुछ बोलो तो आपका ना स्क्रीन वो हो जाएगा। या अभी दिखेगा सबको, थोड़ा पीछे कीजिए मैम, थोड़ा पीछे कीजिए, सॉरी थोड़ा ऊपर कीजिए, बस अभी पूरा आ जाएगा। ठीक है, सब देख पा रहे होंगे, फल दीपिका भावार्थ बोधनी ट्रांसलेटेड बाय पंडित गोपेश कुमार ओझा, पंडित आशुतोष ओझा। ठीक है, जो हिंदी वर्जन थी इस बुक का वो गोपेश कुमार ओझा जी की बुक थी। ठीक है, और इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया तो इनके शायद बेटे हैं आशुतोष ओझा जी ने, इनको फिर बाद में इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट करा, सेम बुक है। इस बुक में आपको एडिशनल बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि इसमें भावार्थ रत्नाकर के भी इसमें श्लोक इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वो भी आपको इसमें एडिशनल बेनिफिट है कि आपको भावार्थ रत्नाकर के भी आपको जहां जहां जरूरत है वहां वहां उनके रेफरेंसेस श्लोक के साथ कमेंट्रीज में मिलेंगे। वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द फल दीपिका। बट अगर ये इसके अलावा एक बुक और अवेलेबल है, ये भी है फल दीपिका, आई थिंक विजिबल है, डॉक्टर सुशील अग्रवाल, न्यू बुक है अभी अग्रवाल पब्लिशर्स, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बट डिटेल वर्जन आपको वो जो इससे पहले दिखाई थी उसमें ज्यादा डिटेल्ड में है, बट ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक है। अगर आपका बहुत डिटेल में नहीं है, आपको सिर्फ ट्रांसलेशन से मतलब अगर सिस्टमेटिक करना है तो आप ये बुक भी आप कर सकते हैं। सर लेनी कहाँ से वो वाली बुक भावार्थ बोधनी? सप्तऋषि शॉप से ले लीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट के डेप्थ को आप समझें, क्योंकि ये बुक पूरी बुक है प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे। ठीक है, इसमें गणित और बाकी चीजें इसमें नहीं है, ये प्योरली प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। उससे पहले आपको ऑथर का आपको समझ में होना चाहिए कि ऑथर का क्या डेप्थ है, ठीक है, इम्पोर्टेंस है। बात है कि जब हमारे पास BPHS है, सब चीजें है, तो फल दीपिका क्यों करना है? BPHS ही पढ़ लें, वृत्त पराशर वृत्त शास्त्र, तो मंत्रेश्वर फल दीपिका की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है, कोई बता सकता है?
ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि एटम कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है और हमने ये सोचा जरूर होगा एक बार कि जब हम लोग बोलते हैं कि बीपीएचएस ही अल्टीमेट चीज है, बृहत पराशर वह शास्त्र जिसको बाइबल भी बोला जाता है ज्योतिष का, जब हमारे पास वो है तो हमें बाकी की जरूरत क्या है, हमको कल दीपिका क्यों चाहिए, हमको बृहत जाता क्यों चाहिए, सब चीजें तो बीपीएचएस में ऑलरेडी है ना पहले से, तो व्हाई वी नीड दिस कल दीपिका, किसी का कुछ अनुभव? बेसिकली मेरे ख्याल से जहां तक जो आगे जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं या उसके उनके बाद हुए, उन्होंने जो भी रिसर्च वर्क किया है या उन्होंने जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उन्होंने उसको अपने से लिखने की कोशिश करी आम यूजर को समझ में आए। ठीक है, मेरा एक व्यू था उसमें सर, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि जैसे इसमें बताते हैं साइंस के बारे में, फलदीपिका में जैसे कैप्रिकॉर्न के बारे में बताया कि आधा ह्यूमन साइन है और आधा एनिमल साइन है, और जैसे कुछ वाटर है एक साइन में और कुछ परसेंट अर्थ है, तो मतलब इस चीज से हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि जैसे और शायद क्लासिक्स में ना दे रखा हो लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल्ड में और स्पेसिफिक करके दिया हो। अब जरा समझते हैं इसको ना कि थोड़ा सा अभी क्या ना कि हम फर्स्ट लोग हम लोग डिस्कस करें उससे पहले थोड़ा सा हम इसको बैक पे लेके चलते हैं। ठीक है, मंत्रेश्वर जो है, ठीक है ना, ये इनको हम लोग बोलते हैं आचार्य मंत्रेश्वर। ठीक है, महर्षि मंत्रेश्वर या ऋषि मंत्रेश्वर, आचार्य मंत्रेश्वर। ठीक, तो अब जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ लिटरेचर ऐसे हैं जो आचार्य ने लिखे हैं उनकी तरफ से है, जैसे बृहत जातक हो गया तो आचार्य बरामी। ठीक है, और कुछ हमारे पास ज्योतिष के लिटरेचर ऐसे मिलेंगे जो ऋषि महर्षि ने लिखे। ठीक है, उनमें तो जैसे हमारे पास महर्षि पराशर का बृहत पराशर वह शास्त्र है। ठीक है, और कोई ऋषि या महर्षि की लिखी हुई बुक्स कोई बता पाएगा बीपीएचएस के अलावा? भृगु संहिता। भृगु संहिता, ठीक है, और सोमस संहिता, सत्य जातक। अच्छा, सत्य जातक, सत्याचार्य, सोमस संहिता, उत्तर कालामृत सर, उत्तर कालामृत किन्होंने लिखा था? कालिदास ने लिखा, पूर्व कालाचार्य थे। लोमस संहिता नहीं, मैंने पहले एक पे खत्म करता हूँ। जैसे कालिदास ने लिखा हमारा उत्तर कालामृत, पूर्व कालामृत दोनों, उत्तर कालामृत एक नहीं है, पूर्व कालामृत दोनों को मिला के कालामृत है टोटल, उसको उत्तर और पूर्व दो में बांटा गया है। तो हमें मेजरली पता है मैं खाली उत्तर कालामृत, बट ऐसा नहीं है, उसका पूर्व कालामृत भी अवेलेबल है। ठीक है, सुरेश चंद्र मिश्र जी की बुक है शायद उत्तर कालामृत, पूर्व का दोनों ही है, रंजन पब्लिकेशन में अवेलेबल है। अब ये कालिदास जी ने लिखा नहीं, तब कालिदास जी कौन है? ये ऋषि है, महर्षि है कि आचार्य है? सर ये आदि कवि थे, कवि आचार्य हुए है नहीं, कवि मेनली कवि थे, उनकी तो जो जितनी भी रचनाएं हैं वो कवि के रूप में ज्यादा है, हालांकि वो बहुत प्रख्यात पंडित भी थे, मतलब बहुत ज्ञान, सरस्वती का विशेष कृपा था उनकी। ये होगा, जब मैंने पूछा था कि महर्षि और ऋषि के लिखे हुए आप बताना है तो उसमें उत्तर कालामृत नहीं आएगा। ठीक है, और किन्होंने बोला? होरासार, चैट को देख पा रहा था, तो होरासार इनके द्वारा रचित है, ऋतुयशस, इफ आई एम राइट, प्रतीता जी ने बोला होरासार, होरासार के कौन है? महर्षि ऋषि तो नहीं थे आई थिंक। ठीक है, बराह मीर को फिर कंसीडर करेंगे ऋषि के नहीं करेंगे? हाँ, तो उसमें अभी आए वो, लेकिन आप ज्योतिष सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट शुरू करूं उससे पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ना, कैटेगराइज आपको हायरार्की पता होना चाहिए। जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो जिसके कुछ आप बुक्स खरीदेंगे सब खरीदेंगे तो पता तो होना चाहिए ना आप क्या खरीद रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है, आर संतनम हो रहा है सर, आर संतनम, ठीक है, वो कमेंटेटर कमेंट्री उन्होंने करी है, हो रहा सार
ये जो रचयिता है वो पृथ्वी यशस है, वो वराहमिहिर के बेटे थे। यस ठीक है। लोमश संहिता, लोमश ऋषि, ये सही है। लोमश संहिता हो गया, लोमश होरा, होरा भी लोमश संहिता हो। आई थिंक इसका नाम लोमश होरा है, संहिता तो बाद में आई थिंक लोगों ने एड ऑन किया है। ठीक है, बीपीएचएस, ऋगु संहिता, और कुछ? सारे ऋषियों के अपने संहिता होंगे, जैसे कि सूर्य संहिता है, ब्रह्मा संहिता है, फिर वशिष्ठ संहिता है। बिल्कुल सही। अब जितने ऋषि होंगे उतने उन्होंने अपना नाम तो लिखा ही होगा। तो कितने हमारे पास अवेलेबल है आज के टाइम पे जिनको हम पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन अभी ये है। ठीक है, ऐसे अगर आप पूरा हायरार्की अगर आप बात करोगे तो स्टार्टिंग सूर्य से होती है, सूर्य पितामह, फिर व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीच, मनु, ऐसे करके टोटल 18 लोग हैं। ठीक है, 18 ये वो है जिनसे जोड़ा गया है ना, ये 18 ऋषियां हैं टोटल। तो 18 ऋषियों के तो अपने अपने तो उनके उनके नाम से तो हो गई होगा। बड़े की सवाल ये कितने हमारे पास अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो बुक नहीं पढ़ते। ये तो इन 18 में से इसमें मंत्रेश्वर का नाम नहीं आता है। ठीक है ना, उसमें वराहमिहिर का आपको नाम मिलेगा। ये आपने अपना नाम सुने 18 लोग, 18 ये जिनसे ज्योतिष की शुरुआत हुई है, तभी तो जिसने 18 लोगों के नाम भी पढ़े हैं कहीं पर किसी बुक में पढ़ा हो, अगर नहीं है तो आपने इसको चौक अप नोट कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कश्यप संहिता में इसके ऊपर पूरा 4-5 लोगों का एक पूरा वो है, डिस्क्रिप्शन है, तो कश्यप ऋषि ने पूरा इसको मेंशन किया है। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें, है ना, लोमश संहिता पढ़ोगे तो वहां थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा इन 18 नामों में, बट ठीक है, हम उन वेरिएशन पे हम नहीं करेंगे डिबेट, पर हम समझते हैं कि मोटा मोटा क्या चीज है। शुरुआत होती है सूर्य से, फर्स्ट वन इज सूर्य, सेकंड पितामह, नाम ही उनका पितामह है, जी पितामह मतलब वो पितामह नहीं कि दादा परदादा जो होते हैं वो नहीं, नाम सूर्य, पितामह, व्यास, ठीक है, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरस, लोमश, पौलिश, चवण। सर एक बार कॉलिश। हाँ, पौलिश, PAULISHA, पौलिश, पौलिश नहीं, पौलिश। और एक बात आप इसमें और समझिएगा, जब हम इसको देखो ये हिंदी में कर रहे हैं उसका कारण है, ठीक है, और इसको मैं शास्त्र को शास्त्र की तरह ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो नामों का जो प्रोनाउंसिएशन है किस तरह की बोल रहा है वो थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस डालेंगे आज के बाद, कि जो है जैसा ना उसको वैसा करा जाए। क्योंकि जब आप ग्रह की बात करते हैं, हम जब एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ठीक है चंद्रमा का असर हम पे होता है, चंद्रमा कोई डायरेक्ट कोई इंसान नहीं है ना कि आके हमको ढकेलता है कि ये इवेंट कर लो, ये कर लो, अल्टीमेटली दिस इज अ वाइब्रेशन एनर्जी। सो अगर हम एनर्जी से डील करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो नाम प्रोनाउंस करोगे आप, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर करेंगे तो वो भी अल्टीमेटली एनर्जी है। ठीक है, संस्कृत के श्लोकों का डिकोड करने की बात कर रहे हैं आप, हम सब कोशिश कर रहे हैं ये, तो हमें वो प्रोनाउंसिएशन का बहुत हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लोमश है तो लोमश बोलेंगे, लोमस नहीं बोलना है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इतना, आप लोमश बोलो लोमस बोलो ठीक है सब चलता है, बट यहाँ सब हिंदी जानने वाले हैं, प्रोनाउंसिएशन का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। कुंडली होता है, ठीक है, कुंडली कुंडली नहीं होता है, मैं बहुत वीडियो देखे हैं तो लोग कुंडली भी नहीं बोल पाते, ठीक है, टीवी पे आते हैं तो कुछ नामी गिरामी लोग हैं वो कुंडली तक नहीं प्रोनाउंस कर पाते। ठीक है, कुंडली को डाक आ जाते हैं फिर कुंडली कुंडली शुरू हो जाता है, वो कुंडली है कुंडली है वो सारा पच पच, ठीक है, वो नहीं। ठीक है, तो अच्छा, हम नारद, नारद के बाद गर्ग ऋषि, गर्ग के बाद आता है मरीचि,
सर मनु बोले आप, गर्ग के नहीं, गर्ग के बाद मरीची, मरीची के बाद मनु, ठीक है। नाइन्थ में गर्ग, टेंथ में मरीची, इलेवेंथ में मनु, ट्वेल्थ में अंगिरस, थर्टींथ में लोमश, फोर्टींथ में आपको मिलेगा पौलिश, पौलिश, फिफ्टींथ में चवण, सिक्सटींथ में यवन, यवन जातक नाम सुना होगा आपने, ठीक है। सिक्सटींथ यवन, सेवनटींथ भृगु और एटींथ शौनक, शौनक ऋषि, भागवत वगैरह में भी आपको बहुत नाम मिलेगा, है ना। सॉरी, एटींथ वाली का नाम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। शौनक, शौनक, S H A U N A K A। थैंक यू सर।